Hey guys, welcome back to my new blog. Blog start करने से good morning. अब मैं जा रही हूँ और टेस्ट वेस्ट के लिए. आज मैं चाय नहीं दिखा पाई, ना मैं खुद पीऊँ ना आपको पिलाने दूँगी. मैं जा रही हूँ अभी टेस्ट के लिए. अभी टाइम हो गया है, 10 बज गया है. टेस्ट लेके जाना है, टेस्ट करना है. बहुत सारे टेस्ट है, 10-12 टेस्ट है. टेस्ट में क्या बताते हैं, रिपोर्ट. रिपोर्ट अगर सही आया तो ठीक है, गलत आया तो फिर एडमिट होना पड़ेगा मुझे. लीवर टेस्ट, ये टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट बताया हुआ है. और गोलू साथ में है, गोलू लेके जा रहे हैं मुझे. बस पहुँचते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं. तो गाइस ऑटो ले लिया हम लोगों ने और अब जा रहे हैं टेस्ट के लिए. देखते हैं गोला खुटा पे देखने से हो रहा है. और अभी खाली पेट सारे टेस्ट हो गए तो कुछ खाई भी नहीं है. तो गाइस हॉस्पिटल आ गए हैं, अब जा रहे हैं अंदर, देखते हैं टेस्ट के लिए. यहाँ पर भीड़ लगी हुई है. तो यही भी लाइन में लगो. हम लोग घर आ गए, यहाँ पे लड्डू सोया हुआ है. मैं आई, उसके बाद उनके पापा आते ही काम पे लग गए, अपने ऑफिस के काम. मम्मी वहाँ लेटी हुई है, नाश्ता पानी हो गई है. मम्मी यहाँ लेटी है. मम्मी मेरे को यहाँ पे फ्रूट दे दिए भर के कि खाओ. और मैं यहाँ पे हूँ, बस शाम का रिपोर्ट का इंतजार है. शाम का रिपोर्ट क्या आता है देखते हैं, फिर उसी के बाद जो भी होगा देखा जाएगा. होप सो कि रिपोर्ट सही आ जाए. अब देखते हैं शाम का रिपोर्ट क्या आता है. अभी फिर से हॉस्पिटल के निकल रहे हैं और रिपोर्ट आने का टाइम हो गया. अब रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, रिपोर्ट में क्या आता है. सोच रहे कि सब कुछ अच्छा है. और यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे लड्डू एंजॉय कर रहा है अपना दादी का कपड़ा. खूब दादी कपड़ा खाता है ये. ले ले, नहीं खाए, नहीं खाए मिला. खा 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 खा. इसको पता नहीं कपड़ा से क्या प्यार है, कपड़ा खाता रहता है ये लड़का. लड्डू ये क्या दिखा रहे हो तुम, पेतु पेतु है ये, पेतु पेतु क्या दिखा रहे हो. चले चलो. और रिपोर्ट, रिपोर्ट ले लिया है, अब जा रहे हैं घर के लिए. लीवर में इंफेक्शन है, दिखाते हैं डॉक्टर के पास. बाकी सब ठीक है, बस लीवर में इंफेक्शन है. अब लीवर का इंफेक्शन का मतलब यह हुआ जॉन्डिस भी हो सकता है या कोई और भी दिक्कत हो सकती है. हाँ, कुछ और भी दिक्कत हो सकती है. अब कल दूसरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है,
अब वहाँ जाना था। हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम वहाँ जाएंगे। अब जो ये वाली हमारी डॉक्टर है ना, इन्हीं से हमने रेफरेंस दिया है कि आप ही कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह करा दो, क्योंकि वो डॉक्टर जो है ना बहुत बिजी है, मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। देखते हैं कल मिलता है कि नहीं मिलता है। कल अगर मिल जाएगा तो दिखा लेंगे, फिर परसों के लिए लेंगे। परसों मेरे पास टाइम भी नहीं है, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। कल मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे ना अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट होता है कुछ ना तो सही रहता है कि साथ में ये रहते तो ठीक रहता है। और फिर अकेले जाएंगे, फिर अकेले इतना दूर जाना, बाबू को लेके फिर मम्मी जी को लेके जाना सही नहीं है ना इतना दूर। और साथ में ये रहते तो हो जाता है काम। कमजोरी है, अब देखते हैं, अगर कल हो जाता है चेकअप तो सही है। जैसे आपने देखा मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही मैं लेट गई हूँ और बहुत थकान हो रही है, सांस फूल रही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आते आते देखा तो मम्मी जी का भी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए गाइस, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।